हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग पे। और आज घर पे हूँ, छत पे। तो आज सोचा थोड़ा बिरयानी बना लेता हूँ, आप लोग भी देखिए और ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन रिफाइंड ऑयल लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और ये मसाला है। अब ये अपना डालेंगे प्याज, पहले मसाला। प्याज नहीं गाइस, पहले मसाला डालते हैं। पहले थोड़ा सा तेज पत्ता, यार आज कम हो गया। तेज पत्ता डाल दिए हैं और यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेल को गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा जल्दी हो गया गाइस। डालते हैं इस पे प्याज। तो सुनहरा होते तक अभी भूनेंगे। तो गाइस, अपना प्याज भून चुका है, इसमें से हम आधा निकाल लेते हैं। इसको अपन बाद में यूज करेंगे, अब निकालने भी नहीं रहा। और निकालो भी हो जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे अपन लोग देखिए गाइस, 1 kg देसी चिकन लिए हैं। देसी चिकन लिए हैं, आप लोग बॉयलर चिकन भी ले सकते हैं। अपन यहाँ पे देसी चिकन लिए है गाइस, आप लोग बॉयलर चिकन भी ले सकते हैं इसके लिए। अब इसको अपन भूनते हैं बढ़िया से। अभी तो खाने का मन कर रहा है चिकन बिरयानी, मैं बोली कि आप बनाइए, मैं डेली चिकन ही बनाती हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ। देखता हूँ, अपने हाथ से बना के दिखाता हूँ कैसा बनता है। तो लोग को बनाने नहीं आता है, मैं बना के आज खिलाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। बन चुका है, अब इसमें अपन मसाला डालते हैं। स्टील खड़ा हो जाए। इसमें मसाला में अपना ये है, लहसुन है, अदरक का पेस्ट है और थोड़ा हरा मिर्ची है। और इसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे अपना हिसाब से, फिर मिर्ची पाउडर डालेंगे अपना हिसाब से, फिर जीरा पाउडर। और ये बिरयानी मसाला बनाया हुआ है, होममेड। इसके बाद इसको अब चलाते हैं। तो गाइस, अपन यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कलर डाल चुके हैं। आप भी अपना हिसाब से डाल लीजिएगा मसाला, और इसमें आधा दही डालेंगे। और उस पर गाइस अपना कच्चा मसाला में जीरा मिर्च वगैरह पूरा मसाला था, बताना भूल गया था। अब इस टाइप से चलाएंगे इसको और पकाएंगे। और इसमें अपन ये पुदीना का पत्ती है और ये धनिया का पत्ती है। अब इसको अपन फिर से चलाएंगे। पहला बार बना रहा हूँ गाइस, तो अच्छे से नहीं बन रहा है, वरना माइंड मत कीजिएगा। बाकी कलर देख सकते हैं कैसा आ रहा है। मौसम खराब हो गया है, पानी आ रहा है छत पे, तो तिरपाल लगाए हैं अपन लोग। अभी देख सकते हैं किस टाइप का है, जो तिरपाल वगैरह लगा के अपन मना रहे हैं जुगाड़ में। सर, इसमें नमक डालिएगा और नमक डाल के इसको अच्छे से पकाइए। इसके बाद अपन चावल रेडी करेंगे, उसके बाद इसको अपन बिरयानी में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा आगे कैसे बनाते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है, जिसको मैं बनाया हूँ। अब इधर तरन्नुम बना रही है चावल। चावल मेरे को बनाने नहीं आता है। अब देखिए, हाँ, पानी गर्म कर ली है, उसमें नमक डाली है, इसे मसाला डाल रही है, क्या है, सहजीरा डाली, फिर लौंग, नींबू। चावल को आधा पकाएंगे गाइस, इसके बाद फिर केवड़ा जाएगा, नमक जाएगा, केवड़ा जाएगा। उसके बाद चावल को आधा पका के फिर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको दम करेंगे, दम बिरयानी। अब यहाँ चावल डाल चुके हैं गाइस। चावल डालने के बाद अब इसको कुकर चला लेते हैं। अब इसको पैक करके 1 सीटी लगाते हैं। तो गाइस, ने अपना चावल सीटी मार दिया है। अभी इसको उतारते हैं और गैस निकलने के बाद इसको पलटते हैं। उसके बाद इसको दम बिरयानी में दम में कन्वर्ट करेंगे।
देख सकते हैं गाइस अपना चावल रेडी हो गया है, एक सीटी लगाए हैं, अभी पूरा नहीं पकाए हैं, अभी इसको ठंडा करने के लिए निकाल रहे हैं गमले में। अब ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसको फिर दम लगाएंगे। दम लगाएगी जी? क्या हो गया नाया, बिरयानी खाएगी नहीं खाएगी? छत पे बना रहे हैं गाइस, सब अंधेरा भी हो चला है यार, आज लेट हो गया बनाने में। देख सकते हैं गाइस अपना चिकन रेडी हो गया, चावल रेडी हो गया, अब इसको लेयर कर रहे हैं। पहले चिकन डाले हैं, उसके बाद अब चावल बैठा रहे हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया अपने हिसाब से, और थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला जो अपन घर में रेडी किए हैं वो डालेंगे। अपना हो गया फिनिश। अब ये जो अपन प्याज निकाले थे शुरू में गाइस भुना हुआ, उसको डालेंगे ऊपर से। अब ये अपना कंप्लीट हो चला है, अब इसको कितना देर के लिए दम करेंगे? 10 मिनट के लिए कम आंच पे इसको रखेंगे ताकि ये दम हो जाए। अब डालेंगे केसर, थोड़ा सा केसर ताकि कलर अच्छा आ जाए इससे, और थोड़ा सा कलर फूड डालेंगे। ये कलर फूड डाल रहे हैं थोड़ा सा गाइस, अब बीच बीच में जगह बनाएंगे ताकि अपना कलर फूड जो है वो अंदर तक चला जाए। अब अपना कलर फूड जाएगा इस पे। अब गाइस अपना रेडी हो गया, इसको दम करने के लिए पैक करते हैं। कुछ गाइस आप लोग आटा भी यहाँ पे इस पे लगा सकते हैं ताकि ये अपना पैक हो जाए, पर अपन लोग आटा ही लगा रहे हैं। कुछ इसके ऊपर बर्तन रख देंगे जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाए ऊपर से। वजन डालते हैं इस तरह से, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं गाइस, तब तक ये अपना रेडी होता है। गाइस ये अपना चिकन बिरयानी बन के रेडी हो गया है, ये अपना ग्रीन चटनी है, सैलड है, पापड़ है, लंच करते हैं। ऑटो जी मैंने बनाया गाइस, हम लोग भी ट्राई करते हैं आज, मैं बना रहा हूं अपने हाथों से। चिकन मैंने बनाया है, चावल करंदन बनाई है, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा बना है, अच्छा है। रात हो गया था गाइस, छत पे बना रहे थे तो अपन लोग रूम पे आ गए हैं, रूम पे टेस्ट कर रहे हैं। बाहर का रात हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा था, और पानी भी आ रहा था, और पानी भी आ जा रहा था, मौसम खराब हो गया, हम लोग का किस्मत खराब बोलिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।